MCR Wonder White Collection. மோடி அரசே, மோடி அரசே, மோடி அரசே, மோடி அரசே, பதவி இறங்க, பதவி இறங்க, பதவி இறங்க, பதவி இறங்க, பச்சை உத்தரோ, பச்சை உத்தரோ, பச்சை உத்தரோ, பச்சை உத்தரோ, மோடி சர்க்கார், பச்சை உத்தரோ, மோடி சர்க்கார், பச்சை உத்தரோ, மாயிலே ராமசாமி நாயக்கர் பெரியார் ஓ அம்பேத்கர் கி தரஹ காந்திஜி கே டைம் பே ஹுயே கானூன் கே ஸ்கூல் ஜப் அகேன்ஸ்ட் தலித் கே அகேன்ஸ்ட் மே ஹமாரா பெரியார் ஹே உசீ தரஹ ஹமே பெரியார் இஷ்க் மே தலித் சே அகேன்ஸ்ட் தல் யே ஈவிஎம் மெஷின் கோ அகர் கோயி எலெக்ஷன் மே ஃபிர் சே வாப்ரே தோ ஜலானே வாலா பஹலா ஆத்மீ மை ஹூன் மன்சூர் அலி கான் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு. மோதங்கா நோட் நோட் லேனா ஹாஸ் சரி. मेरा मातृभाषा तमिल है, मेरा मदर टंग तमिल. मैंने 300 पिक्चर के ऊपर एक्टिंग कर चुका हूँ, बहुत हो गया, अभी भी कर रहा हूँ. कुछ दिन बहुत मेरे बचपना में 10-12 साल के जब था, जब अमरावती यहाँ दरियापुर नागपुर वैसे वहाँ 4-5 साल था, इसीलिए ये हिंदी सीख पाया. तो पहले एक दो मिनट में नारा लगाएंगे. मोदी अरसे, मोदी अरसे, मोदी अरसे, मोदी अरसे, पदवी इरंगे, पदवी इरंगे, पदवी इरंगे, पदवी इरंगे, ईवीएम गवर्नमेंट 420 गवर्नमेंट, ईवीएम गवर्नमेंट 420 गवर्नमेंट, ईवीएम गवर्नमेंट गोलमाल गवर्नमेंट, ईवीएम गवर्नमेंट गोलमाल गवर्नमेंट, बच्चे उतरो, बच्चे उतरो, उतरो, बच्चे उतरो, बच्चे उतरो, मोदी सरकार बच्चे उतरो, मोदी सरकार बच्चे उतरो, पदवी इरंगे, पदवी इरंगे, पदवी इरंगे, पदवी इरंगे, 420 अरसे पदवी इरंगे, 420 अरसे पदवी इरंगे. धन्यवाद भाई साहब. ये ईवीएम मशीन को रख के इन लोग जो अभी तक लौटे हैं, अब तो आप सब जानते होंगे तमिलनाडु में, तो मैं जो उधर इधर जाके आऊंगा, गलत मत मानना, बुरा मत मानना. अभी ये पहले ये इलेक्शन कमीशन के बारे में बताता हूँ. इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, क्या बोलते हैं अपन, चुनाव आयोग. इतना बड़ा चोर है, इतना बिकाऊ है, इतना गिरा हुआ है वो सुनील अरोड़ा. क्या नाम है उनका, अरे क्या आदमी है, और वो बिल्कुल अंधा होना चाहिए. नहीं, मैं कहने की बात यह है, हमारे जो नाम तमिल पार्टी नए नए है, 40 के 40 कॉन्स्टिट्यूएंसी तमिलनाडु में, कोई गठबंधन नहीं है, अकेले हमने लड़े, 17 लाख वोट लिए. इस के पीरियड में भी 17 लाख वोट लिए. मेरे को जहाँ 4 लाख वोट आना था, सिर्फ 55,000 वोट आया, वो छोड़िए. अभी ये क्यों अंधा कहा, आप समझ लेना. अच्छा, हमारा पहले दिया हुआ सिंबल था 2 मोमबत्ती, 2 मोमबत्ती, वो बहुत मशहूर हो चुका था, बहुत फेमस हो चुका था, हमको मालूम है. उन्होंने लास्ट मोमेंट में उन लोग क्या किए, अरे साला ये बहुत फेमस हो गया, वो सिंबल को कट करके नहीं दिया. इलेक्शन के 2 दिन पहले ये भी वो नजर ही नहीं दिखे दिया, आंखों में देखे तो वो सिंबल ऐसा बनाया उस लोगों ने, अरे भाई व्हाट्सएप में क्या कुछ है तुम्हारे पास, ऐसा उस लोगों ने प्रिंट किया, बिल्कुल आंखों को दिखता ही नहीं, वो जरा जरा डॉट डॉट जरा जरा वो क्या दिखता है, क्या कुछ दिखे ही नहीं दिया. ये कितना बड़ा अन्याय है, कितना बड़ा द्रोह है. एक इलेक्शन अभी एक शादी हो रहा है भाई अपने घर में, हाँ, या किसी के घर में, तो दुल्हन का नाम अच्छा छाप के दूल्हा का नाम दिखे ही नहीं दिया, तो दूल्हा शादी बनेगी क्या, मंगल सूत्र बनाएगा, लादा मारेगा शादी को. अरे जान बूझ के वो भी वो ईवीएम मशीन वो अंदर अंधेरे में रखते हैं, और उसका वो जो वीवीपैड वो उसके ऊपर लाइट नहीं लगना करके लाइट भी बंद कर दे रहे वो वोटिंग की जगह पे, कुछ दिखे ही नहीं दिया. हमारा ले जाके लोगों के अंदर वो 15 दिन में, अब हम लोगों ने भाषण दे के सब कुछ करके इतना वोट तक हम दे पाए, वो सारा उनके जेब में, सारा पत्रिकाओं यहाँ पे जो कौन कौन लगे पता नहीं, मगर सारा बिक चुके हैं.
स्ट्राइक फ्रॉम गुजरात, वो कैसे वो झूठ बोलने का एक नंबर का डाला है, वो 20 लाख की इन्वेस्टमेंट, 20 लाख करोड़ आया करके न्यूज फैला के इतना कुछ करके तो आया ना इस पद पे। मैं सीधे अभी मैटर के अंदर आ रहा हूँ। ये 374 कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिफरेंस कैसा है, 8,000, 10,000, 12,000, 18,000 वोट जो वोटिंग हुआ, पोलिंग हुआ, और जब गिनते हो गए 15,000 ज्यादा है, 18,000 कम है। ये इलेक्शन कमीशन नहीं है, डुबकर मरना चाहिए कहीं, वो दिखाई नहीं दे रहा, कहीं आंसर नहीं दे रहा है। और लोगों को डराना, लोगों को डराना, वो न्यूज में 2 दिन पहले सुनील अरोड़ा का इंटरव्यू, अगर कोई व्यक्ति ऐसा वोट डालते हो गए दूसरे सिंपल पे गया करके अगर झूठे इल्जाम लगाए 10 साल सजा। अरे शर्म, सब लोगों को डराना, ये कितना कितना बिल्कुल है, कितना गलत। मंसूर अली खान जिंदाबाद। बैलेट पेपर फिर से लाओ, नहीं तो हर एक वोटिंग मशीन को जलाने वाला। ये पेरियार यहाँ पे है, हमारे ईवे रामस्वामी नायक के पेरियार, वो अम्बेडकर की तरह गांधी जी के टाइम पे वो इंसान, उन्होंने पहले ये कानून के इसको जब अगेंस्ट दलित के अगेंस्ट में गया था तब पहले जला आदमी हमारा पेरियार है। उसी तरह है, मैं पेरियार टेल, ये ईवीएम मशीन को अगर कोई इलेक्शन में फिर से वापरे तो जलाने वाला पहला आदमी मैं हूँ। मंसूर अली खान फ्रॉम तमिलनाडु। MCR, Wonder White Collection.